तो आइए, पोषण ट्रैकर का जो है न्यू वर्जन आ गई है। तो जितने भी आंगनवाड़ी सेविका इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग फटाक से जो है 20.8 अपडेट अभी के अभी कर लें, क्योंकि आप लोग को जो है दो अपडेट दी गई है और बहुत ही महत्वपूर्ण दिया गया है, वो भी आप लोग के लिए THR। चलिए हम लोग इन दोनों के बारे में जानते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है आप लोग को THR है, क्योंकि आप लोग को कल THR भी करनी है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं ये दोनों अपडेट के बारे में। आप लोग फटाक से जो है 20.8 अपडेट कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए क्या करते हैं कि हम लोग प्ले स्टोर में आते हैं, यहाँ से हम लोग पोषण ट्रैकर अपडेट कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्ले स्टोर में आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग सर्च कर लेंगे अभी तक जो जो ज़िले में या जो जो जगह अगर आप लोग को THR नहीं हुई है, तो आप लोग आसानी से जो है फटाक से जो है आप लोग ये पोषण ट्रैकर जो है न्यू वर्जन अपडेट कर लेंगे। यहाँ पर अपडेट करने के लिए दे दी गई है, यहाँ से आप लोग सर्च करेंगे, यहाँ से आप लोग अपडेट कर लेंगे। इसमें क्या महत्वपूर्ण अपडेट आई है, इन सभी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो सभी आंगनवाड़ी सेविका का ध्यान से देखें कि यहाँ पे आप लोग को अपडेट हो रही है। और ये जो है आप लोग देखेंगे तो 6 MB से जो है ऊपर है, यानी कि 6.84 MB का दिया गया है। आप लोग क्या करेंगे कि फटाक से जो है अभी के अभी आप लोग क्या कर लेंगे कि अपडेट कर लेंगे। यहाँ पर क्या है, इसमें क्या आप लोग को करनी है, इन सभी के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर अपडेट इसको होने देते हैं, होने के बाद हम लोग इसके बारे में जानेंगे जो है यहाँ पे 100% हो जाएगी और यहाँ पे इंस्टॉल लेने लगेंगी। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं। इसके बारे में जानने के लिए यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से पेज खुलेगी और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दो अपडेट आई है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें क्या अपडेट आई है, सबसे पहले देखिए कि THR में बग आई हुई थी, वही प्रॉब्लम आप लोग को दूर हुई है और ऐप ऑप्टिमाइजेशन है। ये दो अपडेट आई है, आप लोग फटाक से जो है आप लोग कर ले। जो भी ज़िले में अभी तक THR नहीं हुई है, आप लोग को क्या करनी है, इससे पहले ही आप लोग को अपडेट करनी है और यहाँ से आप लोग ओपन कर लेंगे या इसको काट के जो है आप लोग यहाँ से पोषण ट्रैकर अपने फ़ोन से अपडेट कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरह से खुलेगी। इसमें जो है दो अपडेट आई है, सबसे पहले आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि आप लोग को जो है THR है और बग है। तो THR के लिए आप लोग क्या करेंगे कि THR के लिए आप लोग को डायरेक्ट जो है डेली ट्रैकिंग में भी मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग आते हैं तो इस तरह से जो है आप लोग को खुलती है। खुलने के बाद यहाँ पे देखें कि इस तरह से जो है आप लोग को खुल जाएगी और अभी आप लोग देखेंगे THR में क्या बग आई हुई थी। जैसे कि देखिए कि ये THR दिया गया है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज खुलेगी। खुलने के बाद हम लोग THR जो देते हैं प्रेग्नेंट वोमेन, लैक्टेटिंग मदर और 3 से यानी कि जो है 6 साल वाले बच्चे को। तो ये इसमें जो है आप लोग को बग आई हुई थी, ये जो है आप लोग को प्रॉब्लम दूर हो गई है। आप लोग आसानी से जो है आप लोग क्या करेंगे कि THR के लिए आप लोग इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग को जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 दिन दिया गया है, ठीक है, 15 दिन दिया गया है, 25 दिन की। तो यहाँ पर आप लोग को कितना दिनों के लिए मिला है, आप लोग यहाँ पर जो है डेज लिखेंगे और यहाँ पर जो है पैकेट है तो यहाँ पे आप लोग 1 पैकेट डालेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है सभी लाभार्थी का जो है आप लोग THR करेंगे और लास्ट में क्या कर लेंगे कि यहाँ से सबमिट मार लेंगे। तो इस तरह से जो है आप लोग आसानी से जो है कल 22 तारीख है, 22 तारीख के बहुत सारा ज़िला में जो है आप लोग को THR दिया जाएगा और THR बांटी जाएगी। तो आप लोग आज ही के डेट में क्या कर लें कि अपडेट कर लें, आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि अभी हमने जो है अपडेट किया THR प्रेग्नेंट वोमेन के। तो इसी तरह से जो आप लोग लैक्टेटिंग मदर हो या चिल्ड्रेन हो, इन सभी को जो है आप लोग अपडेट कर सकते हैं। तो ये दो अपडेट आप लोग को दिया गया है पोषण ट्रैकर का, तो आप लोग फटाफट जो है अपडेट कर ले। बाद बाकी आप लोग को किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होगी तो ज़रूर अपने आंगनवाड़ी हेल्पलाइन पर कमेंट कीजिएगा। अधिक से अधिक जानकारी इसी तरह से मिलते रहेगी। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।